अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज कैलाश के सबसे बड़े टूरिज्म किंग से हम मिले हैं यहाँ पे, इशफाक भाई, जो कि कैलाश में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं टूरिज्म के लिए। इनसे हम पूछते हैं कि यार कैलाश टूरिज्म जो अभी फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा इनसे डिटेल जानते हैं कि क्यों इतने लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं और क्या क्या इसमें होते हैं, थोड़ा सा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह भाई। वाहिस्सलाम आसिफ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद आसिफ भाई। आप तो आते रहते हैं, आपको पता है जोशी फेस्टिवल तो 13 to 17 एवरी ईयर, ये एक कैलेंडर इवेंट है, एक रिलीजियस फेस्टिवल है। इसमें लोग आए ना आए ये लोग इसको मनाएंगे, ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है। बाकी लोगों को ये एक यूनिक चीज लग के आते हैं, हम वेलकम करते हैं सयाहों को, लेकिन थोड़ा कंट्रोल टूरिज्म होनी चाहिए। इस साल बेहतर है सिचुएशन की वजह से। आप कैलाश में टूरिज्म अभी बेहतर है इस साल का, आप क्या कहते हैं सीजन में टूरिज्म कहाँ तक? खैर है, कुछ होटलों के रिफंड हो गए, कुछ के ठीक नहीं रहे, लेकिन ये एक ओवरऑल इन्वायरमेंट को इतना नुकसान नहीं हुआ, गंद ज्यादा नहीं फैला, ठीक हो गया ना, कंट्रोल टूरिज्म हो गया, तो ये ज्यादा बेहतर है। मेरा तो ये सजेशन है कि जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं सयाह, वो पहले यहाँ के सकाफत, यहाँ के रोड, यहाँ के कल्चर के हवाले से पढ़ के आए, थोड़ा जान के आए, किसी से फोन पे पता करें, यूट्यूब में देख लें, कहीं पे भी थोड़ा बहुत इसके हवाले से नॉलेज अपने साथ लेके आएंगे तो उनको आसानी होगी। कुछ जगह अनप्योर जगह, कुछ प्योर जगह, उनमें जाना मना होता है। जाहिर है ये रिलीजन है, जैसे भी है ये रिलीजन है, हमें चाहिए कि उनका रिस्पेक्ट करें। तो हम जब एक दूसरे को इज्जत देंगे तो टूरिज्म इंशाल्लाह सस्टेनेबल वे में चलेगा। बस सिर्फ एक सवाल से आपका कंक्लूड करूंगा कि ये साल में दो दफा होता है ना ये फेस्टिवल? फेस्टिवल साल में चार दफा होती है। चार दफा होते हैं। ये 13 to 17 मई ये जो हो रहा है, फिर होगा कोई अगस्त में 20 to 22, फिर अक्टूबर में होगा 15 अक्टूबर, और फिर है दिसंबर में ये 28 to 22 दिसंबर। थैंक यू सो मच।